नमस्कार, आज हम बनाएंगे ब्रेड के चमचम। मिठाई खाना तो हर मौसम में सभी को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ब्रेड से इस तरह से घर पर मिठाई बनाएंगे तो बच्चे और बड़े के साथ साथ सभी बहुत शौक से खाएंगे, और ब्रेड से यह मिठाई आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं मिठाई बनाना। मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर 8 पीस ब्रेड लिए हैं। तो सबसे पहले हम मिठाई के लिए फिलिंग बनाकर तैयार करेंगे। गैस पर हमने कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई में हम 150 ग्राम मावा डालेंगे। अब मावा को हम बराबर चलाते हुए हल्का से भूनेंगे। अभी मावा टाइट है, लेकिन जैसे जैसे कढ़ाई गर्म होती जाएगी वैसे वैसे मावा धीरे धीरे पिघलने लगेंगे और इसमें कोई ढोंके और लम्स नहीं रहेंगे, क्योंकि मावा में घी होते हैं, वो गर्म होने के बाद पिघल जाएंगे। आप देख सकते हैं मावा पिघल कर घी छोड़ दिया है। अब इसमें हम एक चुटकी येलो फूड कलर डालकर मिलाएंगे। कलर डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना कलर की मिठाई बना सकते हैं। कलर मावा में अच्छे से मिल गया है। अब इसमें हम थोड़े से कटे हुए बादाम, काजू और किशमिश को डालेंगे, और इसी में आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालकर मावा मिला लेते हैं। फिलिंग के लिए मावा हमने भून लिया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब इसे हम रख देते हैं अच्छे से ठंडा होने के लिए। जब तक मावा ठंडे हो रहे हैं तब तक के हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए हम पैन में डालेंगे 1 कप चीनी और इसमें लगभग 1 कप पानी डालेंगे। अब चीनी को हम बराबर चलाते हुए गला लेते हैं। जब तक चीनी पूरी तरह से घुल न जाए तब तक इसे हम चलाते रहेंगे, क्योंकि चीनी बर्तन के तले में चिपक जाते हैं। इसे हम मीडियम आंच पर बराबर चलाते रहेंगे। अब चीनी अच्छे से घुल गई है, तो अब चाशनी को हम इसी तरह 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे, जिसे चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। लेकिन हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, केवल हमें इसे हल्का गाढ़ा होने तक पकाना है। चाशनी को हमने लगभग 3 मिनट तक पका लिया है। आप देख सकते हैं चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो अब इसे हम गैस से हटाकर साइड में रख देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। ये मावा अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इसमें हम चीनी का पाउडर डालकर मिलाएंगे। 1 चम्मच चीनी का पाउडर डालकर मिला लेते हैं। अब इसे हम हाथ से मिलाएंगे, जिससे मावा में चीनी पूरी तरह से मिल जाए। अब मावा का हम छोटा छोटा रोल बनाएंगे। थोड़े थोड़े मावा हाथ में लेकर इस तरह से रोल बनाते जाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे मावा का रोल बनाना है। पूरे मावा का हमने रोल बना लिया है। अब हम ब्रेड को काटेंगे, यानी कि जो ब्रेड के किनारे वाला हिस्सा है उसे हम काट कर निकाल देते हैं। इसी तरह से हम सभी ब्रेड को काट लेते हैं। सभी ब्रेड को हमने काट लिया है। अब इसका हम चमचम बनाएंगे। पहले हम प्लेट में 1 कप दूध डाल देते हैं। अब एक ब्रेड हम उठाएंगे और दूध में डिप करेंगे। ब्रेड को हम दूध में पूरी तरह से भिगो देते हैं। इसके बाद हम ब्रेड को दोनों हाथ से दाब कर दूध को निकाल देते हैं। अब इसके अंदर हम मावा का रोल डालकर पैक करेंगे। हम इसको अच्छे से पैक करेंगे, जिससे कहीं से खुले न रहें, और चारों तरफ से पैक करने के बाद इसका हम चमचम बना लेते हैं। इसी तरह से हम सभी ब्रेड का चमचम बनाएंगे। अब इसके अंदर हम मावा का रोल डालकर पैक करेंगे। ध्यान रहे इसे अच्छे से पैक करना है, जिसे चमचम तलते समय फटे ना। सभी ब्रेड का हमने चमचम बना लिया है। अब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे।
चमचम फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गर्म है। अब तेल में हम 3 से 4 पीस चमचम को डाल देते हैं। गैस को हमने तेज किया है, इसे हम तेज आंच पर फ्राई कर रहे हैं। इस तरह से हम इसके ऊपर से कलछी से तेल डालते रहेंगे, जिससे ऊपर से भी थोड़ा टाइट हो जाए। अब इन्हें हम धीरे धीरे पलटेंगे। इसी तरह हमें इन्हें बराबर पलटते हुए सुनहरे रंग में फ्राई करना है, जिससे इसके ऊपर से अच्छा सुनहरा कलर आ जाए। अब चमचम सुनहरे रंग में फ्राई हो गए हैं, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम जो बाकी बचे हुए चमचम हैं उसे भी फ्राई करेंगे। जब तक बचे हुए चमचम फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम फ्राई किया हुआ चमचम चाशनी में डालकर रखेंगे। इन्हें हम चाशनी में डाल देते हैं। इसी तरह हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए चाशनी में छोड़ देते हैं, जिससे चाशनी पूरी तरह से सोख लें। अब इन्हें भी हम धीरे धीरे पलट देते हैं। ध्यान रहे, अगर आप इस तरह से ब्रेड की मिठाई बना रहे हैं तो उसे आप तेज आंच पर फ्राई करें। अब ये भी चमचम फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी हम निकाल कर चाशनी में डालेंगे। जो पहले वाला चमचम हमने चाशनी में डाला था, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये चमचम चाशनी अच्छे सोख लिया है, अब इसे हम साइड में रखेंगे। और जो बचे हुए चमचम हैं, इसे भी हम 4 से 5 मिनट के लिए चाशनी में डालकर रखेंगे, जिससे ये भी चाशनी को सोख लें। पाँच मिनट बाद अब इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ऊपर से हम थोड़े से कटे हुए पिस्ता से गार्निश करेंगे। आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारे ब्रेड के चमचम बने हैं। यह मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। बहुत ही मुलायम और रस से भरे चमचम हमारे बने हैं। अब एक पीस हम आपको काट करके दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा बना है। आप देख सकते हैं, काटने के बाद कितना बढ़िया लग रहा है। इसके अंदर रस पूरी तरह से भरे हैं। इस तरह की मिठाई अगर आप घर पर बनाएंगे तो बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करेंगे। इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं।